माननीय प्रधानमंत्री जी, प्लीज आपने बहिष्कार कर रखा है ना, तो आप जाइए प्लीज। ओके प्लीज बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट बैठिए। क्या तरीका है बैठे बैठे नारेबाजी करने की? ये तरीका है आप लोगों का? पहले देखिए, माननीय सदस्य, मैं पुनः आपको चेतावनी दे रहा हूं, नहीं तो मुझे नेम करना पड़ेगा आपको। तटिया लाना बिल्कुल गलत है सर, तो उनको नेम कर दीजिए सर, हमारा आग्रह है आपसे सर। माननीय नेता, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपके सदस्यों को समझा लिए, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आए। आपने कहा था कि हम बहिष्कार करेंगे, तो आप अपनी बात पर कायम रहें। पिछले 3 दिन से कर रहा था सर, हम लोग का डिमांड है जेपीसी को करने के लिए, जेपीसी डालने के लिए, और जेपीसी नहीं डाल रहे थे साहब। अभी हम लोग जो है ना, प्रधानमंत्री जी का सामने भी हम लोग को जो ये मुद्दा को रखना चाहता था, आपका सामने भी रखा है और हाउस का सामने भी रखा है। अभी हम लोग जो है ना सर, इस बात से जो है ना, हम लोग वॉकआउट कर रहे हैं। ओके बैठ जाइए आप। ओके माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले बजट पे मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करता हूं, और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे पहले भी कई बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है। लेकिन इस बार मैं धन्यवाद के साथ साथ राष्ट्रपति महोदय जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है, और देश की कोटि-कोटि बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने आदिवासी समाज का गौरव तो बढ़ाया ही है, लेकिन आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हुआ। राष्ट्रपति जी के भाषण में
संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा गया। एक प्रकार से देश को अकाउंट भी दिया गया, इंस्पिरेशन भी दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, हर किसी ने अपने अपने आंकड़े दिए, अपने अपने तर्क दिए और अपनी रुचि प्रवृत्ति प्रकृति के अनुसार सबने अपनी बातें रखी। और जब इन बातों को गौर से सुनते हैं, उसे समझने का जब प्रयास करते हैं, तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है। मैं चर्चा में शामिल सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, आप सिर्फ बेटे बेटे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं गलत आप चुप रहिए। नो नो पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं, जनजातीय समुदाय के प्रति, जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज प्लीज
प्लीज आपको नफरत भी दिखाई दी है प्लीज, और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है। देखिए सदन सदन के तरीके से चलेगा, आप लोग बोले थे सबने सुना था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, नो गलत। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। ये खुशी है, ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी के भाषण पर चर्चा मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि बहुत सी बातों को मौन रह करके भी स्वीकार किया गया है, यानी एक प्रकार से सबके भाषण में देख सुनता था तब लगा कि राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति किसी को इतराज नहीं है, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की, भाषण की हर बात। अब देखिए क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने, मैं उन्हीं के शब्द कोट करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था, जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था, जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है। ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूं वो राष्ट्रपति जी के भाषण के पैराग्राफ को मैं कोट कर रहा हूं, और मुझे आशंका थी कि ऐसे ऐसी बातों पर यहां जरूर इतराज करने वाले तो कुछ लोग निकलेंगे, वो विरोध करेंगे, ऐसा कैसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन मुझे खुशी है किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि सबके प्रयास के परिणाम आज इन सारी बातों को पूरे सदन में स्वीकृति मिली है, इससे बड़ा गौरव का विषय क्या होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन में हंसी मजाक, टीका टिप्पणी, नोकझोंक ये तो होता रहता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं, गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है, देश ने सेलिब्रेट किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व,
इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है, चुनौतियां तो आती है, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है, बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है, कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है, और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है, ये देश के लिए गर्व की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है, वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं, उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है, विश्वास है और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है। और आखिर ये सब क्यों? ऐसे ही तो नहीं है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है? इसके पीछे कारण है, इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में, भारत की वैश्विक साख में, भारत के बढ़ते सामर्थ्य में और भारत में बन रही नई संभावनाओं में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें हो रही है, उसी को मैं अगर शब्दबद्ध करूं
और कुछ बातें उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं। अब आप देखिए, भारत में एक दो तीन दशक अस्थिरता के रहे, आज स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबल गवर्नमेंट भी है और डिसीजिव गवर्नमेंट है। और उसका भरोसा स्वाभाविक होता है। एक निर्णायक सरकार, एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार, वो राष्ट्रहित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। और ये वो सरकार है, रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्शन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं। और हम इस मार्ग पर हटने वाले नहीं, हम चलते रहेंगे। देश को समय की मांग के अनुसार जो चाहिए वो देते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक और उदाहरण की तरफ मैं जाना चाहूंगा। इस कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। और इतना ही नहीं, अपने करोड़ों नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन के टीके लगाए। इतना ही नहीं, 150 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरूरत थी वहां दवाई पहुंचाई, जहां जरूरत थी वहां वैक्सीन। और आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं, भारत का गौरवगान करते हैं। उसी प्रकार से तीसरे एक पहलू की तरफ ध्यान देते हैं। इसी संकट काल में आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी एक ताकत दिखाई है, एक आधुनिकता की तरफ बदलाव किया है, पूरा विश्व इसका अध्ययन कर रहा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली में था, डिजिटल इंडिया की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि देश कैसे कर रहा है। कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े देश, समृद्ध देश, अपने नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते थे, नोटे छापते थे, बांटते थे, लेकिन बांट नहीं पाते थे। ये देश हैं जो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लाखों करोड़ों रुपये देशवासियों के खाते में जमा करवा देता है, हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। एक समय था छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के लिए देश तरसता था जी, आज देश में बहुत बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविन, दुनिया के लोग अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दे नहीं पाते जी, आज वैक्सीन लो, हमारे मोबाइल फोन पर हमारा सर्टिफिकेट दूसरे सेकंड पे अवेलेबल है। ये ताकत हमने दिखाई है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में नई संभावनाएं हैं, दुनिया को सशक्त वैल्यू और सप्लाई चेन, उसमें आज पूरी दुनिया ने, कोरोना कालखंड ने सप्लाई चेन के मुद्दे पर दुनिया को हिला के रख दिया है। आज भारत उस कमी को पूरने की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है।
कईयों को बात समझना बहुत देर लग जाएगी। भारत आज इसी दिशा में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्ष में भारत में 90,000 स्टार्टअप्स और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश के टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी पहुंच चुका है, हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा है। भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने हैं और एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6-7 हजार करोड़ से ज्यादा होती है। ये इस देश के नौजवानों ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एनर्जी कंजम्पशन प्रगति के एक मानदंड माना जाता है। आज भारत एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया में एक कंज्यूमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स कभी हमारी कोई पूछ नहीं होती थी, कोई पूछता नहीं था। आज स्पोर्ट्स की दुनिया में हर स्तर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं। एजुकेशन समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। पहली बार, माननीय अध्यक्ष जी गर्व होगा, पहली बार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वालों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। इतना ही नहीं, बेटियों की भी भागीदारी बराबर होती जा रही है। देश में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह पे हमारे बेटे हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी भारतीय को ऐसी अनेक बातें मैं गिना सकता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है।
लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है, पिछले 10 साल में 2014 के पहले, 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए, और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले। लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी, बाघ दिखा करे क्या, तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है, ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल यूपीए के, वो 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था, चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा,
देश का शिकार हो गया था। उस दस साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण ये भी है आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है, लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। आज यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे, ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदी के दूसरे दशक में उचित नहीं है, यह संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं है। प्लीज बैठिए। नो। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महत्व होता है, और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई, पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए, कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके
हमले करने का सामर्थ्य नहीं था, उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा मेरे देश के निर्दोष लोगों का, वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब एलओसी एलएसी भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा, और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, थैंक यू शशि जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है, उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो, लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप गाली गलौज कुछ भी बोल दो इसके सिवाय कुछ नहीं किया, गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ ईवीएम खराब दे दो गाली, चुनाव हार जाओ चुनाव आयोग को गाली दे दो, क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो, अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करे तो यहां से निकलो आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 9 साल देखा है माननीय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह, माननीय आप सदन के नेता हैं,
आप माननीय सदस्यों को समझा दें, लोकतंत्र के लिए जिसकी आवश्यकता है, संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है कि बैठे बैठे बोलें। नो, गलत, नो, नो, आपने भी बोला है, गलत तरीका है ये, नो, बैठ जाइए, गलत तरीका है। ना ना, जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आपको मर्यादा से सुनना चाहिए, प्लीज बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंकरप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे, मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है, हार्वर्ड स्टडी बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है, स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी, ये स्टडी हो चुका है। और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुमाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे लोगों के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार के लोगों के लिए
दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी सुनो फिर, आदरणीय अध्यक्ष जी ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदि होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते रहे, कभी एक बात कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। अब 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी जीवंत संगठन होता है, अगर जीवंत व्यवस्था होती है जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है, वे जनता जनार्दन में क्या चलता है लोगों के अंदर उसका चिंतन करता है, उसे कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता है। लेकिन जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा, मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलत फहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है, मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दिए हैं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी,
आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर, मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी, क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, उनको उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें कैसे, क्यों वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी, मुसीबत के समय मोदी काम आया है, तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा? कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो।
वह विश्वास का सुरक्षा कवच है। और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने सदस्य प्लीज। नहीं नहीं, ये तरीका उचित नहीं है आपका, कोई तरीका उचित नहीं है। नो, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा, मैं आपको बता देता हूं। नो, तरीका गलत है। बैठिए बैठिए। क्या सदन है, संसद है? बैठकर टिप्पणी करते हैं। सदन के नेता बोलते हैं जब कुछ शांत रखा करो, मर्यादा रखा करो चीजों की। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के वंचित वर्ग को वरीयता, उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। दशकों तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिस हालत में उनको छोड़ दिया गया था, वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो संविधान निर्माताओं ने निर्दिष्ट किया था। 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी की बस्तियों में पहली बार, मानिए थे कि पहली बार बिजली पहुंची है। मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था, पहली बार नल से जल पहुंच रहा है, इन परिवारों में पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक परिवार, कोटि कोटि परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए हैं, वहां रह पाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी आपके लिए चुनाव के समय ही जिसकी याद आती थी, आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इतना ही नहीं 4G कनेक्टिविटी भी वहां पहुंच रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरा देश गौरव कर रहा है, आज एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जब देखते हैं, पूरा देश गौरवगान कर रहा है। आज देश में आदि जाति समूह के नर नारी जिन्होंने मातृभूमि के लिए जीवन तर्पण कर दिए, आजादी के जंग का नेतृत्व किया, उनका पुण्य स्मरण आज हो रहा है और हमारे आदिवासियों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और हमें गर्व है कैसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला देश का नेतृत्व कर रही है, राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है, हमने उनका हक दिया है। आदरणीय जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पहली बार देख रहे हैं, एक बात ये भी सही है, हम सबका समान अनुभव है, सिर्फ मेरा ही ऐसा है ऐसा नहीं, आपका भी है। हम सब जानते हैं कि जब मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, जब मां सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है, और तभी जाकर के देश सशक्त होता है। और मुझे संतोष है कि माताएं बहनों बेटियों को सबसे ज्यादा सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। हर छोटी मुसीबत को दूर करने का प्रामाणिक पूर्वक प्रयास किया है,
बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले पर से टॉयलेट की बातें करता है, बड़ी मजाक उड़ाई गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये टॉयलेट, ये इज्जतघर, इन मेरी माताओं बहनों की क्षमता, उनकी सुविधा, उनका सुरक्षा का सम्मान करने वाली बात। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं सैनिटरी पैड की बात करता हूं तो लोगों को लगता है अरे प्रधानमंत्री ऐसे विजय में क्यों जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सैनिटरी पैड्स के अभाव में गरीब बहन बेटियों के अपमान सहती थी, बीमारियों का शिकार हो जाती थी, माताओं बहनों को धुएं में दिन के कई घंटे बिताने पड़ते थे, उनका जीवन धुएं फंसा रहता था, उसे मुक्ति दिलाने का काम उन गरीब माताओं बहनों को करने का सौभाग्य हमें मिला है। जिंदगी खप जाती थी, आधा समय पानी के लिए, आधा समय केरोसिन की लाइन के अंदर खपे रहते थे, आज उसे मुक्ति देने का संतोष, उन माताओं बहनों को मुक्ति देने का संतोष। माननीय अध्यक्ष जी, जो पहले चलता था, अगर वैसा ही हम चलने देते शायद कोई हमें सवाल भी नहीं पूछता कि मोदी जी ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि देश को आपने ऐसी स्थिति में ला दिया था कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकता था, वैसी निराशा में देश को जोंक कर रखा हुआ था। हमने उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति दिलाई, जल जीवन से पानी दिया, बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया, 9 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, माइनिंग से लेकर के डिफेंस तक आज माताओं बहनों को बेटियों को अवसर खोल दिए हैं, ये खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हम याद करें, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्यों को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया है और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए, जो समय पे होना चाहिए था, उसमें काफी देर हो गई। आप देखिए, मध्यम वर्ग लंबे समय तक, मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया, एक प्रकार से वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं, अपने ही बलबूते पर जो हो सकता है करते चलो, वो अपनी पूरी शक्ति बेचारा खपा देता था। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है और आज हमारा परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। सरकार के विभिन्न योजनाओं से मध्यम वर्ग को कितना लाभ हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, मैं उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले जीबी डेटा, क्योंकि आज युग बदल चुका है, ऑनलाइन दुनिया चल रही है, हर एक के हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, कुछ लोगों के जेब फटे हुए हो तो भी मोबाइल तो होता ही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले जीबी डेटा की कीमत 250 रुपया थी, आज सिर्फ 10 रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, एवरेज हमारे देश में एक नागरिक एवरेज 20 जीबी का उपयोग करता है, अगर उस हिसाब को मैं लगाऊं तो एवरेज एक व्यक्ति का 5000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जन औषधि स्टोर आज पूरे देश में आकर्षण का कारण बने हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार, उसको अगर परिवार में सीनियर सिटीजन है, डायबिटीज जैसी बीमारी है, तो 1000, 2000, 2500, 3000 की दवाई हर महीना लेनी पड़ती है। जन औषधि केंद्र में
जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, जनऔषधि में 10 रुपए 20 रुपए में मिलती है, आज 20,000 करोड़ रुपया मध्यम वर्ग का जनऔषधि के कारण बचा है। माननीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्ग के परिवार की एक सपना रहता है खुद का घर बने, और अर्बन इलाके में होम लोन के लिए बड़ी व्यवस्था करने का काम हमने किया, और रेरा का कानून बनाने के कारण जो कभी इस प्रकार के तत्व मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को सालों तक डुबो कर रख देते थे, उसमें से मुक्ति दिला करके उसको एक नया विश्वास देने का काम हमने किया, और उसके कारण खुद का घर बनाने की उसकी सहूलियत बढ़ गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्गीय परिवार को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसके उच्च शिक्षा के लिए उसके मन में एक रहता है, मनसूबा रहता है, वो चाहता है आज जितनी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, सीटें बढ़ाई गई हैं, उसने मध्यम वर्ग के एस्पिरेशन को बहुत उत्तम तरीके से एड्रेस किया है, उसको विश्वास होने लगा है कि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्धारित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश को आगे बढ़ाना है तो भारत को आधुनिकता की तरफ गए बिना कोई चारा नहीं, और समय की मांग है कि अब समय नहीं गवा सकते, और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया है। और ये भी माने स्वीकार होगा, भारत की एक जमाने में पहचान थी गुलामी के कालखंड के पहले, गुलामी के कालखंड के पहले ये देश आर्किटेक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया में उसकी ताकत थी, पहचान थी। गुलामी के कालखंड में सारा नष्ट हो गया, देश आजाद होने के बाद वो दिन दोबारा में आएगा ऐसी आशा थी, लेकिन वो भी समय बीत गया जो होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए, जिस स्केल से होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस दशक में देखा जा रहा है। सड़क हो, समुद्री मार्ग हो, व्यापार हो, वॉटरवेज हो, हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प देख रहा है। हाईवे पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया भर में आज चौड़ी सड़कों की व्यवस्था होती थी, भारत में चौड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे आज देश की नई पीढ़ी देख रही है। भारत में वैश्विक स्तर के अच्छे हाईवे एक्सप्रेस दिखे, इस दिशा में हमारा काम है। पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने जो देकर के गए, उसी पर भी हम बैठे रहे, उसी को हमने अच्छा मान लिया, गाड़ी चलती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो समय था, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो समय था, जिस प्रकार से अंग्रेजों छोड़ करके गए थे, उसी भाव में जीते रहे। और रेलवे की पहचान क्या बन गई थी? रेलवे आने धक्का मुक्की, रेलवे आने एक्सीडेंट, रेलवे आने लेट लतीफ, यही यानी एक स्थिति थी। लेट लतीफ में एक कहावत बनी गई थी, रेलवे आने लेट लतीफी। एक समय था हर महीने एक्सीडेंट होने वाली घटनाएं बार बार आती थी, एक समय था एक्सीडेंट एक किस्मत बन गई थी, लेकिन अब ट्रेनों के अंदर वंदे भारत की मांग, हर एमपी चिट्ठी लिखता है मेरे यहां वंदे भारत चालू करो। आज रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, आज एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है। 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 9 साल में 70 एयरपोर्ट, देश में वॉटरवेज भी बन रहा है। आज वॉटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश आधुनिकता की तरफ बढ़े, इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में 4-5 दशक मुझे हो गए, और मैं
हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान, चार पांच दशक तक उसमें से एक लंबा कालखंड परिव्राजक के रूप में बिताया है। हर स्तर के परिवारों से बैठने उठने का, बात करने का अवसर मिला है और इसलिए भारत के हर भूभाग को समाज की हर भावना से परिचित हूं। और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं और बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भारत का सामान्य मानवी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, सकारात्मकता उसके स्वभाव का, उसके संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता, ये उसकी प्रकृति नहीं। भारतीय समुदाय का स्वभाव खुशमिजाज है, स्वप्नशील समाज है, सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है, सृजन कार्य से जुड़ा हुआ समाज है। मैं आज कहना चाहूंगा, जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें, अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया, आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे, उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था, जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया पता नहीं, लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमा एचएएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया, आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं, भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर आज एचएएल के पास है। भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है, आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है, निराशा में डूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं भली भांति, समय सिद्ध कर रहा है, जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाने के बाद भी फेल हुए हैं, वहां जाने के बाद भी फेल हुए और देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन पे जा रहा है। और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ मन रख के आत्मचिंतन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था, और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है, पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था
अध्यक्ष जी, मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी, और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आम तौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं, ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अखबारों में एक खबर आई थी जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी समय अखबारों में एक खबर आई थी जिसकी तरफ, क्योंकि लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उसी समय श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे, और अलगाववादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। अब ये भी देश ने देखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी आखिरी हमारे माननीय सदस्य नॉर्थ ईस्ट के लिए कह रहे थे, मैं कहूंगा जरा एक बार नॉर्थ ईस्ट हो आइए, आपके जमाने का नॉर्थ ईस्ट और आज के जमाने का नॉर्थ ईस्ट, आधुनिक चौड़े हाईवे हैं, रेल की सुख सुविधा वाली सफर है, आप आराम से हवाई जहाज से जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर कोने में आज बड़ी, और मैं गर्व के साथ कहता हूं, आजादी का 75 साल मना रहे हैं, तब मैं गर्व से कहता हूं 9 साल में करीब करीब 7500 जो हथियार के रास्ते पर चल पड़े थे, ऐसे लोगों ने सरेंडर किया और अलगाववादी प्रवृत्ति छोड़ करके मुख्य धारा में आने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज त्रिपुरा में लाखों परिवारों को पक्का घर मिला है, उसकी खुशी में मुझे शरीक होने का अवसर मिला। जब मैंने
मैंने त्रिपुरा में हीरा योजना की बात कही थी, तब मैंने कहा था हाईवे, आईवे, रेलवे और एयरवे, हीरा, ये हीरा का आज सफलतापूर्वक त्रिपुरा की धरती पर मजबूती नजर आ रही है। त्रिपुरा तेज गति से आज भारत की विकास यात्रा का भागीदार बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं सच सुनने के लिए भी बहुत सामर्थ्य लगता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, झूठे गंदे आरोपों को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा धैर्य लगता है और मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ गंदी से गंदी बातें सुनने का ताकत दिखाई है, ये अभिनंदन के अधिकारी है। लेकिन जो सच सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं वो कितनी निराशा की गर्त में डूब चुके होंगे, इसका देश आज सबूत देख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजनीतिक, माननीय अध्यक्ष जी, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश अजरा अमर है। आओ हम चल पड़े 2047 आजादी के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बना के रहेंगे, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चले, पूरे सामर्थ्य के साथ चले। और जो लोग बार बार गांधी के नाम पर रोटी खींचना चाहे, उनको मैं कहना चाहता हूं एक बार गांधी को पढ़ ले, एक बार महात्मा गांधी को पढ़े। महात्मा गांधी ने कहा था अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा उसमें निहित है। आज कर्तव्य और अधिकार के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं, ऐसी नासमझी शायद देश ने पहली बार देखी होगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं और देश आज यहां से एक नए उमंग, नए विश्वास, नए संकल्प के साथ चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों के अनेक संशोधन प्रस्तुत प्रस्ताव किए गए, सभा की सहमति हो तो मैं सभी संशोधनों एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए, अब मैं संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान करता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधन स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, देखिए माननीय सर, प्लीज एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठे सब, एक मिनट बैठो पहले आप, एक मिनट बैठिए आप, प्लीज वन मिनट सिटिंग, सिटिंग। मैंने कल सभी मान्य सदस्यों ने, एक मिनट रजनंजन जी, प्लीज प्लीज एक मिनट सुनिए, बात बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए, बात सुनिए। कल सदन में सभी मान्य सदस्यों ने देर रात्रि तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर भाग लिया। कुछ मान्य सदस्यों ने राष्ट्रपति अभिभाषण के बाहर के बिंदु भी कहे, बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के सदन का गलत तरीके से उपयोग किया गया, जो सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। और मेरा आग्रह है हम सब लोग जिस धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहते हैं उस पर एक मुझसे धन्यवाद दें। अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2023 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की, उनके अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य पक्ष में वह हाँ गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा, हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।